जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल क्यूरियस सेंटर पर। दोस्तों आज एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। आज हम लोग देखेंगे कि यूपी पुलिस कांस्टेबल जो 2021 में भर्ती होने वाली है, 5200 वैकेंसियों की चर्चा हो रही है, न्यूज़पेपर वाले भी निकाल रहे हैं, तो आज देखा जाएगा कि इसकी सच्चाई क्या है, क्या सच में 52,000 भर्तियाँ यूपी पुलिस कांस्टेबल की आ रही हैं या नहीं, और कब तक आएंगी, और आयु में छूट कितना मिल सकता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे 2 साल से वेट कर रहे हैं, वो ओवर एज हो जा रहे हैं, तो उनको छूट मिलेगी कि नहीं, आज इन्हीं सब बातों का डिस्कशन होगा। तो अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल क्यूरियस सेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कोई भी न्यूज़ रहेगा जॉब से रिलेटेड तो सबसे पहले YouTube चैनल पर प्रूफ और ऑथेंटिक के साथ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो सब्सक्राइब करें, अगर आप UPSSC का कोई भी नोटिफिकेशन चाहते हैं तब भी सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं कि सच्चाई है। तो दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ देखिए, यहाँ पेपर में निकला हुआ है कि 2015 की कुछ वैकेंसियाँ भर्ती खाली थीं और ये 35,000 पदों पर नियुक्ति देनी थी, लेकिन 52,000 हो गया था, उसके बाद की कुछ बची हुई वैकेंसी थी। तो यहाँ पेपर वाले भी निकाल रहे हैं कि भर्तियाँ आने वाली हैं, तो ये एक प्रूफ नहीं है दोस्तों, क्योंकि न्यूज पेपर वाले किसी भी नेता या किसी भी बड़े लोगों का बात सुनते हैं और न्यूज़ में छाप देते हैं, क्योंकि उनको TRP चाहिए। मैंने चेक किया, यहाँ पर कोई भी नोटिफिकेशन इससे रिलेटेड नहीं आया है, तो इससे साफ जाहिर होता है कि अभी एक ऑथेंटिक नहीं है, यानी इस पूरे गारंटी के साथ नहीं कहा जा सकता कि 52,000 भर्तियाँ आएंगी, लेकिन एक संभावना जताया जा रहा है। क्योंकि दोस्तों आप जान रहे हैं कि 2022 में यूपी में इलेक्शन होने वाले हैं और इसके पहले ज़रूर भर्तियाँ आएंगी, तो अनुमान के तहत माना जा रहा है कि अगर भर्ती आनी भी रहेगी तो दोस्तों अक्टूबर तक आ जाएगी, अक्टूबर तक इसके एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे। अगर आएगी तो इसकी संभावना है दोस्तों कि 90% चांस है कि वैकेंसियां आए, तो अक्टूबर में इसके फॉर्म भरे जाएंगे दोस्तों, और लगभग मुझे लग रहा दिसंबर में इस साल के दिसंबर में एग्ज़ाम हो सकते हैं। अब रिजल्ट आएगा कि नहीं ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि चुनाव का मुद्दा है, सरकार चाहेगी कि अपने वोटरों को लुभाया जाए, तो एग्ज़ाम तो हो सकता हो जाए, लेकिन रिजल्ट दोस्तों नहीं आएगा। और ये पुलिस का जो प्रोसेस है दोस्तों, ये 3 चरणों में होता है, आप सभी को पता है। पहले लिखित परीक्षा होगी दोस्तों, यहाँ पे लिखित परीक्षा, फिर फिजिकल टेस्ट, फिर मेडिकल टेस्ट होता है ये, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तब जाके सलेक्शन होता है। और दोस्तों इसका सिलेबस भी आपको एक बार दिखा देना चाहूँगा मैं, इसका सिलेबस जो है, दोस्तों ये रहा इसका सिलेबस, जिसमें आप देखिए जनरल नॉलेज के 38 क्वेश्चन आएंगे, 76 नंबर, और जनरल हिंदी के दोस्तों यहाँ पे देखिए 37 क्वेश्चन आएंगे, 74 नंबर, यानी एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स के बराबर है, क्योंकि आप सभी लोग जान रहे हैं कि लगभग 150 क्वेश्चन रहते हैं, 150 और 300 मार्क्स होता है, तो एक क्वेश्चन 2 नंबर के बराबर है। ये सिलेबस है 38, देखिए यहाँ पे जनरल हिंदी, और ये मेंटल एबिलिटी यानी मैथमेटिक्स और रीजनिंग टाइप का है। तो कुल मिला के आप यहाँ सिलेबस देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी आप चाहें तो ले लें, और अपना तैयारी आप लोग शुरू कर दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग सबसे पहले रिटर्न एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर दीजिए, 150 क्वेश्चन आएंगे, 300 मार्क्स टोटल रहेंगे, आप लोग अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये तो तय है दोस्तों, वैकेंसी तो आनी ही है और ये आशा की जा रही है अक्टूबर तक आएगी। अब बात करते हैं दोस्तों कि एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा कि नहीं। तो दोस्तों जो एज रिलैक्सेशन की बात है कि कितने जो मतलब बच्चे बचे हुए हैं 2 साल से एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं, उनको आयु में छूट दी जाएगी कि नहीं, तो दोस्तों बहुत सारे बच्चे कोर्ट में याचिका दायर किए हुए हैं, तो इसके तहत अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 2 से 3 साल का छूट दिया जा सकता है, लेकिन ये भी दोस्तों एकदम कन्फर्म न्यूज़ नहीं है, यानी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड जो है उसके तरफ से कोई भी इस तरह का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है कि कब तक भर्ती होगी और भर्ती होगी तो एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा कि नहीं। तो आप सभी लोग जान रहे हैं जो पुलिस भर्ती होती है उसमें 18 से लेके 22 साल तक का उम्र लिया जाता है, 18 से 22 तक का उम्र लिया जाता है, तो माना जा रहा है कि हो सकता है 2 साल का एज रिलैक्सेशन दे दे तो उसके बाद 24 साल तक भी आप भर सकते हैं, ये भी कन्फर्म नहीं है।
तो दोस्तों आप लोग अपने रिटन एग्जाम की तैयारी शुरू कर दीजिए। वैकेंसी आए या ना आए, या आए या लेट आएगी तब भी आपका होगा, तो आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए। और अगर पेट का इन्फॉर्मेशन चाहते हैं आप लोग, तो हमारे YouTube चैनल क्यूरियस सेंटर को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पर जो भी न्यूज़ दिया जाएगा प्रूफ के साथ और ऑथेंटिक दिया जाएगा। और कोई भी नोटिफिकेशन अगर आता है जॉब से रिलेटेड उत्तर प्रदेश, खासकर उत्तर प्रदेश से, तो सबसे पहले YouTube चैनल पर प्रूफ और ऑथेंटिक के साथ प्रोवाइड किया जाएगा। दोस्तों अफवाहों से बचें और अपनी तैयारी करते रहिए। आप अगर आएगा तो आप ज़रूर फॉर्म भरिएगा और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। नमस्कार, जय हिंद।